अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो तुसी सारे। उम्मीद करनी है कि मेरे सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे जी। फ्रेंड्स, तो अज मैं बना दी हाँ चिकन दे कोफ्ते। चिकन दे कोफ्ते बनाने लई सानू चाहिए चिकन, पिसिया होया सुक्का धनिया, नमक हसबे जरूरत, ते काले चने सन, ते इन्हां नू मैं पीस लिया तकरीबन 2 चम्मच। ए कुटियां होईयां मिर्चां, एव जीरा पाउडर, ते एवे लाल मिर्च पाउडर, ते एवे हल्दी, प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्च, ते लसन। ते हुण इन्हां नू असीं चॉपर च पा के ते इन्हां नू पीस लैंदे हां, बिल्कुल बरीक कर लैंदे हां। चलो ते फिर इन्हू मिक्स करन तो बाद तुहाडे नाल दोबारा मिलने हां। बिल्कुल बरीक पीस लिया। ते हुण असीं इन्हां दे कोफ्ते बनाने हां। कोफ्ते बना के ते इन्हां नू असीं थोड़ी देर वास्ते फ्रिज रखने हैं, तो उस तो बाद इन्ना सी अपना कोफ्तिया का मसाला तैयार करने हैं। मैं साइज़ जरा थोड़े जो वड्डे बनाए ने, तो तुसीं छोटा साइज़ भी बना सकते हो। मैं साइज़ जो तां वड्डे बनाए ने कि जो इन्हों हल्का फ्राई करांगे तो यह थोड़े छोटे हो जाते हैं साइज़ च। इस वास्ते मैं थोड़ा जिन्हें साइज़ वड्डा रखे। चलो फ्रेंड्स, इन्हों रखने फ्रिज थोड़ी देर वास्ते। तो इन्ना मेरे मसाले की तरफ चाहते हैं कि मसाले के सानू की चाहिए तो कैसा कैसा बनाना है। ए फ्रेंड, टमाटर, अदरक, लसन, तो सब्ज़ मिर्चा, तो टमाटर, इन्हों मैं कट लिया। तो हम असीन जग च पा के ग्रैंड करने हैं, तो फिर थानू दसने उस तो बाद की करना है। इनू असी पीस लेना ग्रैंडर च पा के। वेखो जी फ्रेंड, मैं ना सारे मसाले ग्रैंडर च पा इन अच्छी तरह ग्रैंड कर लिया, तो साड़ा हो गया मसाला तैयार। तो हम असी करने अपने कोफ्ते फ्राई। आलो जी, हूँ हो गया साड़ा तकरीबन ऑयल गर्म, तो हम असी कोफ्ते फ्राई करने अपने। फ्रेंड वेखो जी, साढ़े जबरदस्त कोफ्ते फ्राई होंगे ना, इन्हों लाइट गोल्डन जहा कर लेना। आंच जरा हल्की रखनी है। माशाल्लाह साढ़े कोफ्तिया का कलर कि सोहना आ गया। इस टाइम करके सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने। फ्रेंड जरा घी ऑयल बाद बच जाता है फ्राई करने तो बाद असी अपना बाकी सालन तैयार कर लें। दालचीनी पाई है, दो तीन तुसी लौंगा पा लैनिया ने, वड्डी इलायची पा लैनी है, दो तीन कालिया मिर्चा, मसाले पा दिते ने विच्चे। ते हुण असी ना प्याज, लसन, अदरक ते टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। इन्हू सही तरह भुन लेना है। मसाला साड़ा गया भुन, तो हम इस पाने कुटिया हुई लाल मिर्चा तकरीबन 2 चम्मच। तुम हसबे जरूरत भी पा सकते, नमक भी हसबे जरूरत। धनिया हल्दी पाउडर, भुनी आ गया सारा मसाला सही तरह। तो हम असर कोफ्ते शामिल कर देने। बिस्मिल्लाह, थोड़ी देर वास्ते भुन के बिच पानी शामिल कर देना ताकि बिचों तक मसाला चला जाए कोफ्तिया। लो जी, साढ़े कोफ्ते 2-3 मिनट भुने गए ने। हम असी पानी शामिल करने। मैं शोरबा थोड़ा ही रखा है, तुम अपनी
मर्जी के मुताबिक रख सकते हूँ। इन तकरीबन असी 5 से 10 मिनट वास्ते पकन देने ताकि अच्छी तरह शोरबा गाढ़ा हो जाए, नाले कोफ्ते अंदरों तक अच्छी तरह गल जाए। माशा साढ़े हो गए ने कोफ्ते तैयार होने, असी भुनिया होया कुटिया होया जीरा शामिल करांगे, पाउडर थोड़िया जी कालिया मिर्चा ते माशाल्लाह नाल बड़ा जबरदस्त जायका जा बनेगा। फ्रेंड्स अगर तुहानू मेरिया रेसिपियां अच्छिया लगदियां ने ते लाइक ते सब्सक्राइब जरूर करिया जे। माशाल्लाह ना फ्रेंड्स साढ़े हो गए ने कोफ्ते तैयार, ते वेखो माशाल्लाह ना किन्नी जबरदस्त इन्हां दी लुक आई है, ते जिन्ने वेखण च मज़ेदार लगते ने पे उन्ने खाण च भी मज़ेदार लगनगे तुहानू इंशाल्लाह। ते फ्रेंड्स जरूर बनायो, इन्हां जरूर ट्राई करियो। फ्रेंड्स अगर तुहानू मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ते सब्सक्राइब जरूर करिया जी।